एवरीवन, दिस इज रियल टाइम विद डीटी और मैं हूं बुशरा खान और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट आसिम सिद्दीक। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में और हमारे साथ एक खास स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिसके बारे में जानेंगे आसिम से। जी बुशरा, आज हैं हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर सरवर जो कि VC हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के। प्रोफेसर साहब अकेडमिया के अंदर शोबे तालीम के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी लेगेसी रखते हैं। सो सर, थैंक यू फॉर द टाइम, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम विद अस। मैं इनसे पूछना चाहूँगी और हम सब भी जानना चाहते हैं कि सर बताएं कि आपकी इनिशियल एजुकेशन कहाँ से? जी, मैंने प्राइमरी एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट जूनियर प्राउड स्कूल समनाबाद से हासिल की और मिडिल और जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल समनाबाद से हासिल की। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चला गया, वहाँ से मैंने 1976 में प्री इंजीनियरिंग में FSC की और फिर 1976 में ही मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में UET लाहौर में ही दाखिला मिला और यहाँ से मैं फिर दिसंबर 1981 में BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मैंने हासिल की। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपने अपनी सारी तालीम पाकिस्तान के अंदर हासिल की, आप कुछ हायर एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि वो आपने PhD कहाँ से की और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जी, मैं दिसंबर 81 में, जैसे मैंने कहा कि मैंने अंडर ग्रेजुएट कम्प्लीट किया यहाँ से, उसके बाद मैं थोड़ी देर एक बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर हाउस है सिस्टम्स लिमिटेड में मैं एज इंटर्नी गया। वहाँ उस साल उन्होंने 11 टोटल लिए थे इंटर्नीज और मैं उनमें से एक था। तो मैंने कुछ 3-4 महीने वहाँ काम किया तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही मुझे लेक्चरशिप मिल गई तो मैं यहाँ अप्रैल 82 में लेक्चरर बन गया और फिर मैं जनवरी 83 में छुट्टी लेके यहाँ से या रिज़ाइन करके मैं मास्टर्स और PhD करने अमेरिका चला गया। तो वहाँ मैंने मास्टर्स अपनी शुरू की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर से, लेकिन कोई फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से मुझे मैं अफोर्ड नहीं कर सका वहाँ की तालीम और मैं फिर आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में चला गया। वहाँ से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया 1985 में और फिर 1988 जुलाई में मैंने 2.5 साल में तकरीबन मैंने PhD कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कर ली। माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब आपका हम प्रोफाइल पढ़े थे, आपने ना सिर्फ वहाँ से PhD की, आपने वहाँ पर पढ़ाया भी और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस देयर सर? देखिए, मैं जब PhD स्टूडेंट था तो मेरे एडवाइज़र डॉक्टर जिम डेविस ने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू टीच अ क्लास इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यूनिक्स। तो मैंने बड़ा अपॉर्चुनिटी समझी, मैंने वो पढ़ाई क्लास, तो उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग थे, मैकेनिकल के भी, यू नो, मटीरियल्स इंजीनियरिंग के भी, इलेक्ट्रिकल के भी, कंप्यूटर के भी एंड सो ऑन। तो जब इवेल्यूशन आई कोर्स की तो जिम डेविस मुझे कहते हैं कि तुम्हारी इवेल्यूशन तो मेरे से भी अच्छी आई है। तो उससे मेरे जो दोस्त मेरे साथ यहाँ पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, उनको पता था कि मैं हमेशा कहता था कि मैंने टीचिंग में जाना है, मैं एकेडमिक्स में रहूँगा और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आई एम वन ऑफ दोज वेरी फॉर्चुनेट पीपल कि जो वो करना चाहते हैं ज़िंदगी में वही करते हैं और जिनको ये मौका मिल जाता है मेरे ख्याल में वो अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनली बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि जो काम भी आप शौक से करेंगे उसमें आप एक्सेल करने का बड़ा चांस है आपका। उसके बाद जब मैंने PhD कर ली तो मुझे अमेरिका में दो जगह से ऑफ़र थी जॉब की, लेकिन मैं फिर डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान के करीब जाना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स के करीब। तो मैं कुवैत यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, लेकिन जब 91 में फर्स्ट गल्फ वॉर हुई तो मैं और मेरी वाइफ जो है वो ऑस्ट्रिया में थे, एक समर कैंप था IBM का वहाँ पे, तो वहाँ पे दूसरा दिन था अभी, तो वी फाउंड आउट कि जी कुवैत जो है वो तो इन्वेड हो गया है। तो फिर मैं पाकिस्तान आ गया कुछ देर के लिए, यहाँ मैंने पढ़ाया कुछ 9 महीने के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, लेकिन फिर जिस यूनिवर्सिटी ने मुझे जॉब दी थी उनके डीन ने मुझे जाने से पहले कहा, दिस वेरी स्ट्रेंज स्टोरी, कि जब मैंने उन्होंने मुझे ऑफ़र की यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टलैंड ओरेगन में, मैं 88 की बात कर रहा हूँ जब मैंने PhD की, तो मैंने कहा जी कि मैंने पेरेंट्स के करीब जाना है अपने, तो उन्होंने मुझे डीन टॉम नेल्सन, मेरे मेंटर भी थे वहाँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल आई वर्क विद इन माई लाइफ, उन्होंने मुझे कहा कि मंसूर इफ़ यू एवर वॉन्ट टू कम बैक टू द US लेट मी नो। अच्छा, ये मेरे जहन में बात बैठ गई। तो जब हाँ कुवैत इन्वेड हो गया तो मैंने ऑस्ट्रिया से ही उनको कॉन्टेक्ट किया, अगले दिन ही उनकी मुझे ईमेल वापस आ गई, उन्होंने कहा कि मंसूर मैंने उन लोगों से बात की है, टीचरों से, जो उस वक्त तुम्हारे इंटरव्यू में थे और तुम्हारा जो उन्होंने लेक्चर सुना था,
तो हम तुम्हें जॉब ऑफर करते हैं दोबारा, अगर अभी आना चाहो, रिमेंबर नाउ दिस वाज जुलाई, तो अगस्त में वहाँ क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर अभी आना चाहें तो हम फंडिंग आपकी को रेज करते हैं इंडस्ट्री से, क्योंकि बजट तो हमारा अप्रूव हो चुका है, तो वरना अगर अगले साल आना चाहें तो हम अपने बजट में आपको रख लेंगे। तो मैंने कहा जी मैं फिर अगले साल आऊँगा। तो दिस यू नो वन ऑफ द वेरी फॉर्चुनेट पीपल के उनको याद नहीं था टॉम नेल्सन को कि उन्होंने ये कहा था। मैंने कहा टॉम यू टोल्ड मी एक्चुअली दैट इफ़ आई एवर वांटेड टू कम बैक आई कुड कॉन्टेक्ट यू। तो फिर मैं पोर्टलैंड ओरिगन में रहा, वहाँ चार साल के बाद मुझे एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया गया, मुझे टेन्योर दिया गया, छः साल हो गए थे वहाँ टेन्योर मुझे गुजारे हुए। मैंने दो किताबें लिख ली थी, एक यूनिक्स पे एक लिनक्स पे। तो वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि मैंने वाइफ अपनी से कहा जी हम पाकिस्तान ना चलें, तो उनका ठीक है। तो मैंने लम्स में अपनी ईमेल भेजी, तो द नेक्स्ट मॉर्निंग दे रोड पे कि जी आप आ जाएं अभी। मैंने कहा अभी तो नहीं आना, बहरहाल तो वो मैं अभी अपना कमिटमेंट यहाँ पूरी करूँगा। इवेंचुअली इन दिसंबर 2001 मैं, उन्होंने मुझे अप्रैल 2001 भी ऑफ़र दी, तो दिसंबर 2001 में मैं लाहौर आ गया और यहाँ लम्स में रहा। मुझे कोई डेढ़ साल बाद उन्होंने हेड ऑफ़ कंप्यूटर साइंस बना दिया, बट आई रिज़ाइन फ्राम लम्स बिकॉज आई हैड डेवलप सम डिसग्रीमेंट विद सम अथॉरिटी। तो आई थॉट कि मुझे उस जगह जाना चाहिए जहाँ मैं अपने दिल से काम करूँ। तो आई इवेंचुअली एंडेड अप एट पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, PUCIT के नाम से। 12.5 साल मैंने वहाँ काम किया, और आसिम आपको भी पता है हम इकट्ठे रहे वहाँ पे। तो वो इदारा एक इट वाज वेरी लो रेपुटेशन इंस्टीट्यूशन, तो जब मैंने छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह दिस बिकेम वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन इन कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें 5 फुल ब्राइट स्कॉलर्स थे और एरास्मस मुंडस स्कॉलर्स थे, डार्ट स्कॉलर्स थे, बेहतरीन असातज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं कर्शी यूनिवर्सिटी में कोई 5-6 महीने VC रहा, और इवेंचुअली आई फाउंड द अपॉर्चुनिटी और मुझे सिलेक्ट कर लिया गया UET लाहौर के वाइस चांसलर के लिए। और मैं 3 साल और तकरीबन 2 महीने हो गए हैं मैं यहाँ पे एज वाइस चांसलर एक्ट कर। डॉक्टर साहब, ये माशाल्लाह हमारे व्यूअर्स को देख के पता चला होगा कि सच्चा पाकिस्तानी कौन होता है। सच्चा पाकिस्तानी कहलाने से नहीं, किरदार से और दिखाने से पता चलता है। डॉक्टर साहब को अभी भी वहाँ पर ऑफर्स हैं, डॉक्टर साहब वो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए, तो इनका जज्बा हुबुल वतनी कहाँ पर खड़ा होता है? इस तरह के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अगर बाहर के ममालिक से पाकिस्तान आ जाए, तो देखिएगा जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक नया ब्रांड पूरा पाकिस्तान के अंदर IT की तालीम के अंदर इस वक्त PUCIT नंबर 1 ब्रांड है और ये इसके मेहमान हैं। सिमिलरली यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में डॉक्टर साहब जब आप आए हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कि क्या हालात थे और आपने क्या चीज़ें की और इन 3-3.5 साल के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? मैं तो थोड़ा सा ज़रा, जब मैंने यूनिवर्सिटी पोर्टलैंड छोड़ी ना जी, तो मैंने रिज़ाइन किया, तो वहाँ प्रेसिडेंट जो कि यहाँ के वाइस चांसलर को वहाँ प्रेसिडेंट कहते हैं, तो प्रेसिडेंट फादर टाइसन थे, डेविड टाइसन, उन्होंने मुझे लिखा कि ये बड़ा अच्छा तुम्हारा ख्याल है कि वालदैन के पास रहो, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल यूजुअली, तो हम आपको 1 साल की छुट्टी देते हैं। उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं वहाँ टेन्योर्ड एसोसिएट प्रोफेसर था और बेस्ट टीचिंग अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुका था, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। एनीवे, कमिंग बैक टू द UET, देखिए जब UET में मैं आया, तो मेरा ख्याल था कि मैं यहाँ के एकेडमिक्स को बेहतर करूँगा, यहाँ पे और एनवायरनमेंट को बेहतर करूँगा। बट जब मैं आया, तो मेरे लिए दिस इज़ अ ह्यूज सरप्राइज़ कि फाइनेंशियली यूनिवर्सिटी वाज ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उसकी वजह ये थी कि यहाँ हर महीने 60-70 मिलियन पेंशन के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, और यूनिवर्सिटी का पेंशन फंड नहीं था, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो एनीवे, सो इन स्पाइट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल हार्डशिप, मैंने 2020 में सिंडिकेट से प्रूव कराया कि जी हम पेंशन फंड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, विद ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ 60 मिलियन हमने वो इस्टेब्लिश किया है। अब वो तकरीबन अलहमदिल्ला 150 मिलियन का हो गया, 150 मिलियन का, और उसमें एक परमानेंट फीडर चल गया है, जो हमारी टेस्टिंग की इनकम होती है UET लाहौर की, जो कि काफ़ी अच्छी होती है, उसका 28% ये पेंशन फंड में जाता रहेगा। तो इवेंचुअली दिस विल बिल्ड अप टू अ वैल्यू इंशाल्लाह, जब यानी हमारे रिकरिंग बजट में से ये पैसे नहीं जाएंगे, पेंशन फंड से जाया करेंगे उसके प्रोसीड से। एक तो वो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर मैंने एक लॉन्ग टर्म यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए अच्छा काम किया, तो पेंशन फंड इस्टेब्लिश किया। उसके बाद ये है कि मैं समझता हूँ कि हमें एनवायरमेंटली हमें ऐसा काम करना चाहिए कि एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी पे काम होना चाहिए। तो उसके लिए एक काम हमने ये किया कि पिछले तकरीबन 3.25 साल में कुछ 14,000 पौधे हमने लगाए हैं, जिसमें आई थिंक 30-40% जो है वो फलों के
पौधे थे जो कल को फल भी देंगे, यहाँ पे बर्ड लाइफ आएगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बच्चे फलों को इन्जॉय करेंगे एंड सो ऑन। और ज़ाहिर है आपकी जो फ़ज़ा है वो साफ़ सुथरी होगी, अच्छी ऑक्सीजन आपको मिलेगी। ये दो काम हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो इसके अलावा दो काम मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म अच्छाई के लिए जो मैंने किए हैं, एक तो ये है कि मैंने हायर पोस्ट पे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पे काबिल तरीन लोग या नए हमने हायर किए हैं या जो यूनिवर्सिटी के काबिल तरीन लोग हैं उनको इस कैडर पे ले आए हैं। मेरे तजर्बा ये कहता है कि अगर टॉप लीडरशिप काबिल होगी तो वो अपने से काबिल लोगों को लेके आएंगे, और अगर टॉप लीडरशिप नालायक होगी तो वो कभी भी अपने से लायक बंदे यानी नालायक तरीन बंदे आएंगे। तो इंशाल्लाह आई थिंक ओनली आई वुड आई होप आई लिव टू सी दिस इंस्टीट्यूशन परफॉर्म बेटर विद दिस न्यू लीडरशिप कमिंग एट द टॉप ऑफ द हेल्म। फाइनली हमने ये किया कि यूनिवर्सिटी को, क्योंकि फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी पुराना हो चुका है, तो डेढ़ दो साल पहले हमने एक PC1 लिखा फेडरल गवर्नमेंट के लिए कि हमें जी फंड दें कि हम पूरे ये जो लाहौर का कैंपस है इसकी कंप्लीट रेनोवेशन कर लें, बिल्डिंग्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसकी जो सर्विसेज हैं पानी की, गैस हुई गैस की, सीवरेज की, और जो लैब्स हैं हमारी और टीचर्स के ऑफिसेज हैं उन सारों को रेनोवेट करें। Nice. तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने ये अप्रूव कर दिया है। अच्छा। और ये 1.698 बिलियन का विद बी बिलियन का प्रोजेक्ट है और ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, इस साल हम इसको शुरू कर रहे हैं। और इसमें एक जो फंडामेंटल चीज़ होगी कि हमारी जो 3-4 पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, जैसे हमारा मेन ब्लॉक है जो 1921 में बना था, नवंबर 1921 में जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी एक कॉलेज के तौर पे, मुगलपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसको रेनोवेट करने हैं क्योंकि उसकी हालत बड़ी ख़राब है। फिर इसी तरह सिख नेशनल कॉलेज हुआ करता था यहाँ, जिसको अब अनेक्सी ब्लॉक कहते हैं, उसके कई हिस्से बंद पड़े हैं क्योंकि बिल्कुल रन डाउन हो गई है। और इसी तरह एक डी हॉल है जो सिख नेशनल कॉलेज का हॉस्टल होता था उसको, तो इस तरह की हमने पुरानी बिल्डिंग्स को भी रेनोवेट करना है, स्टूडेंट हॉस्टल्स को ठीक करना है, बाथरूमों को ठीक करना है, फैकल्टी के हाउसेज को, एम्प्लॉयज़ के हाउसेज को, सड़कें जो ख़राब हैं, और एक ये है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है जो इसको हमने ठीक करना है ताकि किसी जगह कोई पानी खड़ा ना हो, ये जो बीमारियाँ फैलती हैं कि इंशाल्लाह कम से कम फैलें। बहुत बड़ी खबर है जी, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर डॉक्टर साहब ने बताई है कि जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है ये पूरी की पूरी ओवरहॉल होगी, रेवोल्यूशनाइज होगी, जितना स्ट्रक्चर है, जितनी लैब्स हैं, ये सब दोबारा अच्छे तरीके से आपको देखने भी आएगा, यूज़ करने में आएगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, यूज़र फ्रेंडली होगा, अमेजिंग। डॉक्टर साहब इसी से बात करते हुए आगे चलेंगे, माशाल्लाह आपने 3-3.5 साल के अंदर काफ़ी अचीवमेंट्स की हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मतलब आप अगले अपने टेन्योर अगर आपको UET का मिलता है या आप आगे आपके जो प्रीडिसेसर हैं उनको आप क्या कहेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ें हैं जिनको आप लेके चलें, क्योंकि आपको तो एक दिवालिया मिला था, आपको तो खाली खजाना मिला था, आपने माशाल्लाह इतना बड़ा फंड लेके आए, आपने यूनिवर्सिटी को पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, सो आप आगे अपने आने वाले को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो उस टेन्योर में आप क्या चाहेंगे कि क्या चीज़ें हों जिन पर फोकस हो? देखिए दो चीज़ें मैं बताना भूल गया कि हम जब बैंकरप्सी में थे तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उस वक्त जो अभी भी मिनिस्टर हायर एजुकेशन है यासर हुमायूं साहब और जो चांसलर साहब थे उन्होंने बहुत मदद की और हमें 300 मिलियन का सॉफ्ट लोन दिया। अच्छा। बड़े थोड़े से रेट पे, जिसकी वजह से हमारी थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी होगी। दूसरा ये है कि हमने यहाँ पर IC डिज़ाइन और टेस्टिंग के लिए काम शुरू किया, वो भी मिनिस्टर हायर एजुकेशन जो है उनका आइडिया था कि जी हम यहाँ पे, क्योंकि दुनिया में ICs की बड़ी डर्थ है, आजकल मिलते नहीं हैं, तो हम उस पर काम शुरू करें ताकि बाहर से लोग हमें आउटसोर्स करें, अमेरिका से, जापान से, कनाडा से, चाइना से परहैप्स, और हम यहाँ पे काम करें। तो उसकी हमने लैब्स डेवलप की हैं, और ना सिर्फ के UET में की हैं बल्कि पंजाब की 7 और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी की हैं, और उसके लिए हमने और फंड्स लिए हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने हमारा, वेरी ग्रेटफुल टू द पंजाब गवर्नमेंट अगेन, के 125 मिलियन का उन्होंने IC डिज़ाइन की लैब्स और करिकुलम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने दिया। तो उसके अलावा ये कि हमने टीचरों को इनक्रेज किया कि वो फंडेड रिसर्च, कम्पेटिटिव रिसर्च ग्रांट्स लें और उन पैसों से PhD करवाएं, मास्टर्स करवाएं, अपनी R&D करें, ताकि यूनिवर्सिटी के फंड्स पे, बजट पे बोझ कम हो। और मैं आपको ये बड़ी, आई रियली फील वेरी प्राउड ऑफ माई फैकल्टी कि उन्होंने इस साल
यूईटी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स विन किए हैं, 55 से ज़्यादा कंपेटिटिव ग्रांट्स। इससे पहले मैक्सिमम 25 ग्रांट्स किसी एक साल में यूनिवर्सिटी ने जीती थी। तो हैट्स ऑफ टू द माई फैकल्टी ऑल्सो। आपको पता है कि यूईटी में काबिल तरीन लोग स्टूडेंट्स आते हैं, काबिल तरीन टीचर हैं। तो ये एक रिफ्लेक्शन है कि ये काबिल तरीन टीचर ने थोड़ी सी मेहनत से इतनी ज़्यादा ग्रांट्स ले ली, और आई थिंक दिस नंबर विल ग्रो गो अप इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो मेरी फ्यूचर में ये है कि इन स्टेप्स को हम कंटिन्यू करें कि कंपेटिटिव रिस्क ग्रांट्स, अभी तो सिर्फ हमने मोस्टली पाकिस्तान के जो फंडिंग एजेंसीज हैं, HEC हो गया, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन हो गया एंड सो ऑन, हम अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट करें और उनके साथ मिल के हम रिसर्च ग्रांट्स लेकर उनको विन करें। एक तो ये है। दूसरा ये कि यहाँ पर हम एक कंसल्टिंग कंपनी हमारी बनी हुई थी जो कि बिल्कुल डेड थी, उसको हम थोड़ा सा जान में ला रहे हैं ताकि पाकिस्तान में जो कंसल्टिंग काम करना है, जितना टेक्निकल ब्रेन यूटी लाहौर में है जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कहीं नहीं है। दैट्स ट्रू। तो किसी किस्म की कोई टेक्निकल स्टडी करानी है, कोई टेस्टिंग करानी है, डिज़ाइन कराना है, आई थिंक इस कंपनी से जिसको हम ईसू पार्क कहते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर कोई जगह नहीं होगी। तो उसको हमने और बेहतर करना है और हम कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ कंपनियों से रबते में हैं ताकि वो हमारे साथ मिल के काम करें और हमारे से टेस्ट करें हमें कि हम किस किस्म के काम कर सकें। डॉक्टर, इसी को कंटिन्यू मैं करूँगा। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फुकदान है वो गैप है एकेडमिया में और इंडस्ट्री में, इनके दरमियान जो गैप आपने ख़त्म कर दिया है, इससे आपके मोनेटाइजेशन के मसले भी हल हुए हैं और इससे आपका जो स्टूडेंट है उसकी भी लर्निंग में बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यूईटी हर बच्चे का ख्वाब है, बहुत सारे लोगों के ख्वाब पूरे हो जाते हैं, वो इस अदारे के अंदर आके पढ़ते हैं और कल को उनकी पूरी की पूरी फैमिलीज चेंज, उनकी पूरी की पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। सो डॉक्टर साहब, कुछ बताएंगे कि एडमिशन्स के अंदर इस वक्त कितनी तादाद है बच्चों की और फ्यूचर में ये नंबर बढ़ कैसे सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहब प्राइवेट माफिया तो छोड़ता ही नहीं है, उसके पास वो नहीं देखता क्या नंबर है, वो सिर्फ देखते हैं जी पैसे हैं, आप आ जाए हम आपको डिग्री करा देंगे, जिससे हमारे क्वालिटी भी गिरती है, तलीम का तो मेयार जो ख़राब होता ही सो होता है। बाहर के ममालिक में जब ये लोग जाते हैं तो एक बैड इमेज पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, कुछ बताना चाहेंगे इस मामले के ऊपर कि हम मज़ीद इनटेक कैसे बढ़ा रहे हैं और मज़ीद कैंपसेस कौन से खुल रहे हैं? देखिए जी, मैं अभी आपको जो नंबर्स हैं यूटी में स्टूडेंट्स वो बता देता हूँ। हमारे जो PhD में इस वक्त 441 PhD कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। मास्टर्स 18 साल की जो MPhil, मास्टर्स MSc जो हमारे होती है उसमें 2040 हैं, और अंडर ग्रेजुएट में हमारे तकरीबन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। इनमें मेजॉरिटी जो है वो लाहौर में है, और ये मुहीत हैं, नंबर जो हैं ये हमारे तकरीबन इस साल 45 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे हमारे सारे कैंपसेस में मिला के, जिनमें से 25 जो हैं वो लाहौर कैंपस में होंगे। 79 हमारे मास्टर्स प्रोग्राम के एडमिशन चल रहे हैं आजकल, और 27 PhD प्रोग्राम्स हैं हमारे। और ये नंबर्स जो हैं, मैं नंबर्स तो बढ़ाने की हम ऑब्वियसली कोशिश कर दी है हमने, ताकि क्वालिटी एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हासिल कर सकें। क्वालिटी पे मेरा ज़ोर होता है, क्वालिटी पे। आपको पता है कि हमने PUCIT में पहले क्वालिटी पे जोर दिया है, ना आहिस्ता आहिस्ता नंबर खुद बढ़ जाते हैं। जब ये कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, लोग एक दूसरे के सुनते हैं जब कि जी ये इदारा सबसे अच्छा, तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स और बच्चे उस पर अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरा फोकस होगा क्वालिटी पे, लेकिन उसके बाद क्वालिटी तो हम रखेंगे, लेकिन कई नए ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें हम डिग्री शुरू कर रहे हैं, उनमें डेटा साइंस की डिग्री है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री है, साइबर सिक्योरिटी की डिग्री है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अंडर ग्रेजुएट हम शुरू कर रहे हैं, एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में हम शुरू कर रहे हैं। ये हमारे अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम हैं जो हम नए शुरू कर रहे हैं। इन्हीं रेलिवेंट एरियाज़ में हम PhD भी शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा प्लान है फ्यूचर का एकेडमिक्स का। अगर देखें, एक बात मैं और आपको बता दूँ कि हमारे जो टोटल फैकल्टी है, जब मैं आया था तो यानी मैं जून 2019 में आया था, तो परसेंटेज ऑफ PhD फैकल्टी वाज लेस देन 39%, 39% से कम थी। माने तकरीबन 800 फैकल्टी हैं टोटल। इस वक्त वो परसेंटेज 51% से ज़्यादा हो गई, यानी 12% PhD फैकल्टी बढ़ गई है। मैं इनक्रेज करता हूँ हर टीचर को कि वो PhD करें। अगर एकेडीमिया में रहना है और तरक्की करनी है तो PhD लाजिम है। तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर मेरा ख्याल है कि अगर 5 साल में ये नंबर जो है ये 70% हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरी फ्यूचर में जो भी वाइस चांसलर यहाँ पे होगा, मेरी रिक्वेस्ट होगी, ख्वाहिश होगी
कि हम इन जो पॉलिसीज हैं लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए यूनिवर्सिटी की, उनको कंटिन्यू किया जाए। आखिरी बात यह कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक तो पेंशन फंड इस्टेब्लिश कर दिया, दूसरा यह कि हमने आउटरीच किया अपने अलमनाए से कि वो हमें, हमारे स्टूडेंट्स जो तकरीबन 60% स्टूडेंट्स को हम किसी न किसी तरह से फाइनेंशियल एड देते हैं, तो मैंने आउटरीच किया कुछ अलमनाए को, और बिलीव यू मी कि हमारे अलमनाए एक दफ़ा मैं कहूँ तो वो इतना करीब आ जाते हैं। तो हमारी हिस्टोरिकली ये कमज़ोरी रही पब्लिक सेक्टर की इन जनरल है, आपको भी मालूम है कि हम अलमनाए का इतना ताल्लुक नहीं रखते। तो मैंने कॉन्टेक्ट किया तो हमने ज़कात फंड इस्टेब्लिश किया टू बिगिन विद, एक स्टूडेंट एंडाउमेंट फंड भी किया और एक ज़कात फंड भी। ज़कात फंड में पहले साल, दो साल पहले 16 मिलियन हमें इकट्ठा हो गया, पिछले साल हमें 24 मिलियन इकट्ठा हो गया, इस साल अभी तक 24 मिलियन हो चुके हैं, और अभी ये हमने रमज़ान में शुरू किया था तो 3 महीने या 3.5 महीने हुए हैं। तो इन पॉलिसीज को कंटिन्यू करना चाहिए, अलमना रिलेशंस को बहुत अच्छा करना चाहिए, इंडस्ट्री से हमारे लिंकेजेस बड़े अच्छे हो रहे हैं, हम दूसरी यूनिवर्सिटियों से भी MOU साइन कर रहे हैं। मैं MOUs के जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं साइन करने के हक में नहीं होता, ये लिविंग MOUs होने चाहिए, ये इनको एक्सिक्यूट करना चाहिए। तो हमारा मसला अभी एक रिसेंटली जर्मन यूनिवर्सिटी से हुआ, तो वो हमारे अभी 2 टीचर 3 टीचर गए हैं वहाँ, 2 PhD स्टूडेंट गए हैं और 4 मास्टर स्टूडेंट्स हमारे गए हैं, फिर वो उनके 6 महीने बाद उनके आएंगे, फिर हमारे जाएंगे। तो इस तरह के हम MOUs कर रहे हैं। इसी तरह एक जो और मैंने चीज़ करनी है, आप खुद भी IT के हैं, आपको पता है कि PUC IT मेरी ख्वाहिश थी कि वहाँ एक टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाए, इसी तरह मेरी यहाँ पे ख्वाहिश है कि एक टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाए जिसमें हम कंपनियों को इनवाइट करें कि आए यहाँ पे अपना ऑफिस बनाएं, हमारे बच्चों को इंटर्नशिप दें, हमारे बच्चों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों, बच्चे हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम से काम करें, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे, MSc PhD thesis पे, टीचर्स के साथ R&D की जाए, और फिर इंडस्ट्री हमें बताएं कि हमारे करिकुलम में कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, कौन से हम इलेक्टिव सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाएं जो करंटली इंडस्ट्री में काम आएंगे। तो ये सारे प्लान इनिशिएटिव मैं इसी बात से कंटिन्यू करूँगा। डॉक्टर साहब, आपकी 6 किताबें हैं और मेरे पाकिस्तानियों शायद आपको अंदाज़ा नहीं, ये वाहिद पाकिस्तानी है जिनकी किताबें US नेवी के अंदर एज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम पढ़ाई जाती हैं। सो हमारे जो प्रोफेसर साहिबान हैं, हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, उनको ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर आने की ज़रूरत है, उनको अपने लिंकेजेस ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसी रिसर्च करें जिसका इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। डॉक्टर साहब, कुछ इसके ऊपर प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा और गौर कीजिएगा, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस है और इंजीनियर्स दे कैन बिल्ड नेशंस, तो डॉक्टर साहब कुछ इस पर थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे बेहतरी ला सकते हैं इन मुल्क के हालात के अंदर, इंजीनियर्स कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए जी, इंजीनियर्स तो हमेशा किसी भी कौम की तरक्की में इंजीनियर्स का कलीदी किरदार होता है। आपकी बिल्डिंग्स बननी है, डैम बनने हैं, सड़कें बननी हैं, पुल बनने हैं, जो मर्जी, इन सब में इंजीनियर का किरदार होता है। एक तो यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इंजीनियर्स को पॉलिसी मेकिंग में लेके आए। जब तक ये नहीं होगा, मेरा ख्याल है मुल्क उस तरह तरक्की नहीं कर सकता जैसे कर सकते हैं। आप दुनिया में किसी मुल्क में देख लें, वहाँ रेलेवेंट लोगों को पॉलिसी मेकिंग के लिए लाया जाता है। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि जब तक हमारे इंडस्ट्री से रिलेशंस नहीं अच्छे होते, वो ट्रिपल हेलिक्स की हम बात करते हैं, वैसे ये क्वाड्रुपल हेलिक्स मेरे ख्याल में होना चाहिए कि इंडस्ट्री, एकेडेमिया लिंकेज, और एकेडेमिया के गवर्नमेंट से लिंकेजेस, और फिर हमारे सोसाइटी से लिंकेजेस, जो भी हम काम करें सोसाइटी की बेहतरी के लिए होना चाहिए। तो आई थिंक ये चारों इदारे मिल के जब करेंगे तो फिर काम चलेगा, यानी इंडस्ट्री जो है हमें साथ हमारे मिल के अपने प्रॉब्लम्स बताए, हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, गवर्नमेंट हमें बताए जी पॉलिसी ये बनानी है तो हमें इन्वॉल्व करें पॉलिसी में, और हम ऐसे काम करें जो कि सोसाइटी के लिए बेहतर हो। हमारा यू नो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में के ज़ुमरे में जो आता है कि हम सोसाइटी के लिए एक्सप्लिसिटली वो काम करें। रिसर्च में हम यू नो नंबर्स हमारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं इन जनरल पाकिस्तान में, लेकिन आई थिंक देखने की बात यह है कि क्या वो रिसर्च जो हो रही है वो हमारी अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए हो रही है या हम वैसे पेपर छाप रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि इंडस्ट्री से और हम मिलजुल के काम करें और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले करें। जी डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली हम पढ़ रहे थे आपके अदारे से मुतालिक, तो आपने कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स ओपन किए हैं यहाँ पर जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी सहूलियत फराहम की है ताकि वो अपने सेटअप्स लगाएं, तो डॉक्टर साहब कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा प्लीज़। जी हमारे जी एक टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर है और एक बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है। अब मैंने उन दोनों को मिला दिया है क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम करना आइसोलेशन में इतना अच्छा काम नहीं होता,
हमें पता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक किसी स्टूडेंट का कोई आइडिया, टीचर का आइडिया है, उसको अगर आपने कंपनी इनक्यूबेट करनी है, इनक्यूबेट हो जाएगी तो फिर मार्केटिंग उसकी करनी है, मार्केटिंग आइडियाज़ कैसे आएंगे एंड सो ऑन। तो बिज़नेस इनक्यूबेशन सेंटर और टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर में हमने मिला दिया। इसमें से हमारी कई कंपनियाँ इनक्यूबेट हो चुकी हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल वेंचर्स यहाँ गए हैं, उनकी डिटेल हम फिर किसी वक्त कर लेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन ताकि मैं ले लूँ। लेकिन इसका गोल यही है कि हमारे स्टूडेंट्स में जो उनको आजकल के दौर में आपको पता है कि नौकरियां जो हैं इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता कम हो जानी है, क्योंकि जब जैसे ही यू नो ये ऑनलाइन काम होता है, कई चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं, रोबोटिक्स की तरक्की बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसमें नए आइडियाज़ लेके तो ग्रेजुएट्स को अपने कंपनियां बनानी पड़ेंगी जिसमें वो नॉट सिर्फ अपनी रोजी ना कमाएं बल्कि लोगों को नौकरियां भी दें। तो इंस्टेड ऑफ जैसे वो कहते हैं जॉब सीकर जॉब प्रोवाइडर बने, तो उस चीज़ पे एक उसको इनक्रेज करने के लिए हमने ये किया। अच्छा, मैं अभी एक HEC ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के साथ मिलके, तो उसके सिलसिले में 15 वाइस चांसलर गए थे, अमेरिका का ट्रिप था हमारा। वहाँ मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में इतने शानदार अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बच्चों को बिज़नेस करने दिया जाए भले वो जैसा भी हो। मसलन एक बच्चा है, उसने वहाँ कंपनी खोली हुई है अपना, उसको छोटी सी जगह मिली हुई है कि जहाँ वो ड्राई क्लीनिंग का काम करता है, फिर किसी ने दर्जियों का काम शुरू किया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक नए आइडियाज़ और चीज़ है, लेकिन उनको बिज़नेस का सेंस देना कि आप जब काम करेंगे कोई तो उसमें इश्यूज़ क्या आते हैं। और उन्हीं आइडियाज़ को लेके मैं देखा कि एक बच्चा जो ये दर्जियों का काम कर रहा था, उसने समहाउ डेटा साइंस और AI के को इस्तेमाल करके तो अपना क्लाइंटल बढ़ा रही है। तो इस तरह की चीज़ें मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी हों, उनका एक बहुत बड़ा उन यूनिवर्सिटी में इनक्यूबेशन सेंटर होते हैं, और मैं भी चाहूँगा कि UT में भी हम इस तरह के इनक्यूबेशन सेंटर बनाएँ और फिर इनक्रेज करें स्टूडेंट्स को कि उसमें आएँ, और जो सक्सेसफुल बिजनेस पर्सनैलिटीज़ हैं इंजीनियरिंग में और नॉन इंजीनियरिंग में, उनको लेके आएँ और उनको ग्रूम करें इंशाल्लाह। देखें, जो मेरी किताबें हैं वो यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं, और कई जगह पे उनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सब जगह लिनक्स और यूनिक्स हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ाया जाता, तो इसलिए वो ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ नहीं हो रही। मैं ख़ुद भी देखें आई एम जनरली वेरी हम्बल पर्सन, तो मैं किसी को कहता भी नहीं कि ये करें, लेकिन यह कि बहरहाल हमारे बड़े बड़े लायक असातज़ा हैं यहाँ पे जिन्होंने आई थिंक दे शुड ऑल्सो राइट बुक्स, और उनकी किताबें अपने करिकुलम में इस्तेमाल करें। तो असल बात यह है कि जो भी टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करें उसका सही इस्तेमाल करें, और स्टूडेंट्स को कहा जाए कि वो किताबें पढ़ें, एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स उनको कराए जाएँ, और उनको होमवर्क के लिए असाइनमेंट्स के लिए अननोन प्रॉब्लम्स दिए जाएँ, और एग्जामिनेशन में भी कम से कम थोड़ी सी वेरिएशन से करके तो प्रॉब्लम्स दिए जाएं अगर बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं दे। इसी से मैं कंटिन्यू करूंगा। मेरे नाज़रीन, आपके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है, उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है जो अभी मैट्रिक इंटर के अंदर है और उनका ख्वाब है कि अब UET में आए, तो आप जब एंट्री टेस्ट के लिए लंबी कतारों में धूप में आपके लिए एक कहते हैं कि एक मुश्किल मरला होता है, वो उसको UET ने बड़ा आसान करने का तरीकाकार बनाया है। हम इसके बारे में RID ब्रीफिंग ले चुके हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ज़रा उसके बारे में बताइएगा कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के टेस्ट किस तरीके से होंगे, वो क्या नया तरीकाकार है। देखिए जी, हिस्टोरिकली ये होता रहा है कि हम पेपर बनाते थे मल्टीपल पेपर्स ताकि स्टूडेंट्स के जो दाएँ बाएँ आगे पीछे हैं वो मुख्तलिफ पेपर्स हों, उनको हार्ड कॉपी प्रिंट करके कई हफ्ते लगते थे उनको सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और प्रिंटिंग के लिए। तो वो 2 साल पहले हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके तो सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन किया जाए, तो हमने किया ऑनलाइन, लेकिन कुछ एक इश्यूज़ हुए। तो हमने प्लान किया कि हम अपना सिस्टम डेवलप करेंगे जिसमें पाकिस्तान में किसी जगह कंप्यूटर की लैब में हम बच्चों को इजाज़त दे सकते हैं कि जी कराची के फलां सेंटर में बैठ के अगर कोई टेस्ट देना चाहे तो वो भी दे सकेगा, लाहौर में किसी जगह भी जहां हम डिसाइड कर लेंगे कि इस जगह हमने अपना एक ऑनलाइन सेंटर बनाना है तो वहां बैठ के तो बच्चे इम्तहान दे सकेंगे, किसी को इतना ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मसलन एक बच्चा साउथ पंजाब का है,
तो डीजी खान में हम कहीं बना देंगे, मुल्तान में बना देंगे, भक्कर में बना देंगे, इस तरह नॉर्दर्न पंजाब का है तो हम पिंडी में बना देंगे, टेक्सला में बना देंगे, इस तरह के गुजरात में बना देंगे, अभी भी बनाए हैं हमने। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो आइडिया हमारा, हमने आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगेन कि हमने ये उनको रिक्वेस्ट की कि जी इस तरह का हमें सिस्टम डेवलप करने दें जिसका मेन सेंटर लाहौर में होगा, जिसमें 500 से ज़्यादा बच्चे साइमल्टेनियसली टेस्ट ले सकेंगे और वो मल्टीपल सेशंस एक दिन में हम करके तो कई हज़ार लोगों का हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते में इम्तहान हम ले सकेंगे। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि ये साइमल्टेनियसली एक वक्त में कई हज़ार बच्चे कई सौ सेंटरों में बैठ कर भी इम्तहान ले सकेंगे एंट्री टेस्ट। तो इससे ये होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी होगी और टेस्ट भी उस वक्त होगा, उस वक्त रिजल्ट निकल जाएगा और कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा होगी। तो ये हमारा गोल है और हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह फंड्स जो हैं वो अप्रूव कर दिए हैं, फाइनल उसका लेटर एक आने वाला है, लेकिन ये हम अगले 2 साल में इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट करके तो इसको अवेलेबल कर देंगे। और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये इस्तेमाल करना हो विद यू नो लिटिल बिट ऑफ फी तो वो भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसी बात से मैं कंटिन्यू करूँगा डॉक्टर साहब, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जितने अदारे हैं वो तो उनका मसला पूछे क्या है तो वो कहते हैं फंड्स नहीं हैं, उनसे पूछे डेवलपमेंट नहीं हो रही वो कहते हैं फंड्स नहीं हैं। तो आपने ये कैसे फंड्स, मतलब आपके साथ गवर्नमेंट क्या कोई स्पेशल आपको प्रोटोकॉल देती है कि मतलब एक दिवालिया हुआ अदारा, एक अदारा जिसमें इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने उस्तादा को तनख्वाहें दे सके बगैर बच्चों की, जिस तरह बाकी लोगों ने अगर 10,000 फीस दी तो 20,000 कर दी बट फिर भी उनका काम नहीं चला, तो आपने बड़ी नॉमिनल सी चीज़ें की हैं और आपके पास फंड्स भी आ रहे हैं, अब पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की एक एक ईंट बदल रहे हैं, हर चीज़ बदल रहे हैं, कैसे डॉक्टर साहब कुछ थोड़ा सा इसमें बताएं क्या ऐसी टिप्स हैं जो बाकी VC साहिबान जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटर्स वो भी आपसे सीख सकें। देखिए मैं दूसरे वाइस चांसलर्स की तो बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करता हूँ कि आपको भी पता है कि PUCIT में जब मैं था तो मैं अपने काम को अपने फ़राइज़ समझ के करता हूँ। मेरा ख्याल है कोई भी इंसान अगर फ़र्ज समझ के काम करे तो उसमें मेहनत लगती है, दिन रात लगाना पड़ता है, आपको हर जगह जाना पड़ता है, जहाँ आप नहीं भी आपके दिल कर रहा तो वहाँ जाना पड़ता है इदारे की बेहतरी के लिए। तो मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं मिनिस्टर हायर एजुकेशन जो यासर हुमायूं साहब हैं उनको बहुत ममनून हूँ कि पहली ग्रांट जो हमें 42 मिलियन की मिली 2 साल पहले, ये उनका आइडिया था क्योंकि वो ख़ुद भी कंप्यूटर साइंटिस्ट कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो वो इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझते थे कि दुनिया में ICs की कमी है तो हम इसका फ़ायदा लें कि बच्चों को भी ट्रेन करें, यहाँ भी ICs के काम आ सकते हैं, डिज़ाइन टेस्टिंग के बाहर नौकरियाँ मिल सकती हैं। तो 45 मिलियन की ग्रांट उन्होंने दी तो जिसमें हमने शुरू किया, फिर 125 मिलियन की ग्रांट अब हमें मिल गई है, लेकिन इसके लिए जाके अपनी पिच करना पड़ता है आईडिया को। तो इसमें भी हमारे जो मेंबर आईटी हैं जो पंजाब R&D जो उनका है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, उसमें उन्होंने सपोर्ट की, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो की जिसकी वजह से ये हमें फंड्स मिल रहे हैं ये चेयरमैन P&D हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, अब्दुल्ला सुंबल साहब हैं उनका, मैं आई एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल टू हिम, उनकी वजह से फिर हमें ये जो ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं टेस्टिंग के लिए, ये उनकी मनहूने मिन्नत है, 386 मिलियन की हमें ग्रांट मिल गई। फिर जो हमने पूरी यूनिवर्सिटी को लाहौर कैंपस को रेनोवेट करना है ताकि अगले 50-60 साल के लिए ये हम जेन से निकाल दें जी कि ये यूनिवर्सिटी को यू नो इसकी रन डाउन हालत है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो हमारा 1.7 बिलियन तकरीबन है वो प्रोजेक्ट भी हो गया। लेकिन हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बार बार आपको जाना पड़ता है, खत लिखना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है कि इस इदारे का ख्याल करें जो कि एक प्राइड है पाकिस्तान की, इसको 100 साल से ज़्यादा हो गया है और इसके आप दुनिया में किसी जगह चले जाएँ हर जगह आपको UET के लोग जो हैं टॉप ऑफ द लाइन नज़र आएंगे। तो इसको हमें इसको बचा के रखना है, इसको उस दोबारा सूरत में लेके आना है कि अगले 50-100 साल और ये फिज़िकली भी अच्छा नज़र आए, क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता है कि ख़ास तौर पे जो लेवल्स करके आते हैं जो अच्छे घरानों के जो वेल ऑफ होते हैं लोग के बच्चे जब दाखिल हों यूनिवर्सिटी में तो उसको एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। तो जब ये रेनोवेशन हो जाएगी तो हमने जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा पौधे लगाए हैं, ग्रीनरी आपको हर जगह नज़र आएगी। बाय द वे हमने इस कैंपस में 6 अर्बन फॉरेस्ट लगाए हैं, सैकड़ों पौधे जो मुख्तलिफ जगह पे छोटे छोटे जंगल बन जाएंगे। आज अभी भी आपको मैं दिखाऊंगा कई जगह के कैसे वो ग्रो करके इतने बड़े हो गए हैं पौधे सिर्फ 2.5-3 साल में।
तो ये हमने मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, यू नो, आपको खून जिगर करना पड़ता है, आपको दिन रात देख करनी पड़ती है, घर वाले आपके सफ़र कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप हज़ारों बच्चों के जो पढ़ रहे हैं उनके लिए और जो लाखों और करोड़ों आने हैं फ्यूचर में इंशाल्लाह उनकी बेहतरी के लिए कोई काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग सब आपके शुक्रमंद हैं क्योंकि इस मुल्क से लोग इल्म हासिल करते हैं और बाहर चले जाते हैं, वहाँ पर नेशनैलिटीज़ लेते हैं, वहीं पर रह जाते हैं। आपको नेशनैलिटीज़ की ऑफ़र थी, आपके लिए जॉब्स की ऑफ़र थी, आप इस वतन में वापस आए और आपने एक कदीम अदारे को जदीद तर्ज अमल के ऊपर बड़ा किया, खड़ा किया, हम इसके लिए आपके शुक्रमंद हैं। डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन, आपका टेन्योर और एक साल तक ख़त्म होने वाला है, इसके बाद आपके इदारे के लोगों से जब हमने पूछा कि कैसा रहा तो सब ये चाह रहे थे कि आप एक टेन्योर और आगे चलें, लेकिन सिमिलरली इसी तरह के और भी पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं जहाँ पर आप जैसे काबिल लोगों की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जब इंटरव्यूज़ हुए वहाँ पर आप टॉप 3 के कैंडिडेट्स में थे, इस बार भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो लेट्स से अगर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी दे दी जाती है क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, वो एक डिफरेंट जनरल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे चैलेंजेस भी डिफरेंट है, बट अगर वहाँ पे आप जैसा विजनरी आदमी आ जाता है तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो कुछ थोड़ा सा ज़रा काइंडली बताएंगे कि क्या ऐसे इकदाम हैं अगर आपको वहाँ की वीसीशिप मिलती है तो ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे वो रैपिडली चेंज हो जाए, जो यहाँ पर मोनेटाइजेशन के, जो यहाँ पर इकोनॉमिक इशूज़ थे वहाँ इसी तरह के कुछ वहाँ पर भी हैं। देखिए, एक बात तो यह है कि मैं क्योंकि यहाँ यूटी लाहौर का पढ़ा हुआ हूँ तो वो कहते हैं ना कि माई फर्स्ट लव इज़ यूटी लाहौर, और मुझे अल्लाह ताला ने यह मौका दिया है जो कि बड़े कम लोगों को ज़िंदगी में मिलता है। कि एक तो ये है कि मैं ज़िंदगी में उस टीचर बनना चाहता था, मैं सारी उम्र टीचर रहा हूँ एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी आप जाके मेरी टीचिंग के मुतालिक पूछेंगे, वो लम्स हो या PUCIT हो या अमरीका में जहाँ पढ़ा है या कुवैत में, तो आप। दूसरा ये है कि बड़े कम लोगों को ये चांस मिलता है कि जिस इदारे में पढ़े हों उसमें उसकी उसको बेहतर करने के लिए अल्लाह ताला ने मौका दिया। मैं बड़ा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला। सो मेरा फर्स्ट लव तो ये है, लेकिन मैंने अगर अपनी ज़िंदगी का, ये मेरी कोई 11वीं नौकरी है, आम तौर पर पता है आपको कि पाकिस्तान में एक जगह इंसान नौकरी शुरू करता है और वहीं से रिटायर होकर तो चला जाता है, मेरी 11वीं नौकरी है, तो मेरी सबसे लंबा टेन्योर जो गुजरा वो पंजाब यूनिवर्सिटी में गुजरा। तो मेरा सेकंड लव जो है, इन ए सेंस, मैं वहाँ का स्टूडेंट ही रहा बट 12.5 साल से ज़्यादा मैंने वहाँ काम किया, तो वो मेरा सेकंड लव है। अब बात यह है कि देखें, कुछ पता नहीं होता कि कहाँ इंसान को रिस्क लिखा हुआ है, किस जगह को मौका मिलना है या नहीं मिलना। मे भी हो सकता है मुझे ये मेरा VC-ship का आखिरी साल हो और उसके बाद मैं किसी और जगह कुछ और काम कर रहा हूँ, तो ये मुमकिन है, लेकिन जहाँ भी मौका मिलेगा मेरी ख्वाहिश यही होगी कि उस इदारे को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाया जाए, एकेडमिक एक्सेलेंस की तरफ जाया जाए। नंबर्स आर वेरी इजी टू इंक्रीज, देखना हर आम तौर पे लोग बात करते हैं जी कि मैंने एक हायर एजुकेशन की एक्सेस ज़्यादा कर दी है। अब एक्सेस ज़्यादा करना तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं ना, आप नए प्रोग्राम 10 और शुरू कर दें, हर एक में नंबर डबल कर दें, तो यू हैव इंक्रीज द एक्सेस। असल बात यह है कि क्वालिटी एजुकेशन, आपके ग्रेजुएट्स जो निकलने चाहिए दे शुड बी एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स, इंडस्ट्री फॉरन उनको रख ले। मकसद एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कई मकासद हैं बट एक मेजर मकसद ये है कि एक बच्चा जो निकलता है इस हायर एजुकेशन इदारे से तो उसको फॉरन नौकरी मिले, या कम से कम 3 से 6 महीने में आपके बच्चे सारे जो हैं उन नौकरियों पर हों। तो तालीम की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एकेडमिक्स बढ़ाना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएं तो। डॉक्टर साहब, यूटी की रैंकिंग इस वक्त कहाँ पर है? देखें जी, यूनिवर्सिटी यूटी जो है पाकिस्तान की वाहिद यूटी है पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट में जो दुनिया की और एशिया की किसी भी रैंकिंग में आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं आया था तो यूटी जो है वो जो एशिया में है उसमें रैंकिंग में 50% में थी कि 50% यूनिवर्सिटियों से बेहतर थी। इस वक्त यूईटी एशिया की 28% टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, हर साल इसकी रैंकिंग बढ़ती जा रही है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में QS रैंकिंग, हम यूजुअली उस पर ध्यान देते हैं, QS रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 7 सब्जेक्ट्स को रैंक किया जाता है। 2019 में हमारे 2 सब्जेक्ट्स रैंक थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 2003 में उसमें एक और सब्जेक्ट आ गया हमारा,
कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आ गया। 2004 में हमारा एक और आ गया। इस साल हमारा केमिकल इंजीनियरिंग भी रैंकिंग में आ गया, और जो 2000 उससे पिछले साल आया था वो था पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में हम दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में हमारी रैंकिंग आती है। केमिकल इंजीनियरिंग में है 300 टॉप में आती है। इलेक्ट्रिकल में 300 में आती है, मैकेनिकल में 350 में, कंप्यूटर साइंस में 400 में आती है। और पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो QS रैंकिंग में वाहिद यूनिवर्सिटी जो UET रैंक होती है सिर्फ UET लाहौर है। और अगर इसका फीस स्ट्रक्चर आप देखें तो सारी UETs मिला के और प्राइवेट सेक्टर के इदारे, तो खैर क्या उनकी बात करना, हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर अभी भी सबसे कम है। और 60% बच्चों को हम फाइनेंशियल एड देते हैं, ये नीडी फाइनेंशियल एड कह रहा हूँ। टॉप 3 बच्चे जो हर सेमेस्टर में होते हैं उनकी ट्यूशन फ़ी हम माफ़ कर देते हैं। तो इसमें आप एक टर्म यूज़ करते हैं, द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। UET लाहौर विदाउट एनी क्वेश्चन, ये नहीं कि मैं यहाँ का वाइस चांसलर हूँ, मैंने सारे फ़ीस स्ट्रक्चर मशहूर यूनिवर्सिटियाँ, मैं उनके नाम भी नहीं लेना चाहता, इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, जहाँ भी, सारों के फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने देखे हैं। UET लाहौर की फ़ीस उन सारों से कम अज़ कम 50% कम है, यानी उनका 50% है। प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही नहीं करता, हर प्राइवेट सेक्टर की जो ट्यूशन फ़ी होगी हमारे से कम अज़ कम 3-4 गुना होगी, 5 गुना, 10 गुना भी होगी। जी बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए द UET अल्हम्दुलिल्लाह इट रिमेन्स द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। इसकी तालीम हम और बेहतर कर रहे हैं, टीचरों को हम इंकरेज कर रहे हैं कि सिर्फ रिसर्च में ही नहीं करना, टीचिंग में भी आए। और हम अपनी पॉलिसी में लेके आ रहे हैं कि टीचरों की जब प्रमोशन होगी या नेक्स्ट कैडर पे हायरिंग होगी तो अच्छे जो बेहतरीन टीचर हैं उनको हम किसी तरह से रिवॉर्ड करें, कि अगर बहुत ज़्यादा टॉप के रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है तो बेहतरीन टीचर अगर हैं तो उनको लाजम है कि हम उनको अगले कैडर पर लेके आए। तो डॉक्टर साहब, अभी आपका एक बड़ा खूबसूरत कैंपस बन रहा है नारोवाल के अंदर, तो उसके बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल बताएं कि उसमें कितनी कैपेसिटी है, क्या उसमें जिद्दत है, क्योंकि बहुत मीडिया के अंदर बड़ा शोर है उसके बारे में और बड़ी हाइप है उस कैंपस के बारे में। देखिए, नारोवाल कैंपस, इस पर कोई सवाल ही नहीं है कि इतना ही खूबसूरत कैंपस है। और उसमें जो सबसे बड़ी जिद्दत है वो ये है कि वहाँ का इनोवेशन सेंटर है, और वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि उसमें फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। वो किस तरह इंडस्ट्री को इनवाइट कर सकते हैं वहाँ पे, उनको इनकी जो उनको ऑफिसेज हम दे सकते हैं ताकि वहाँ ऑन कैंपस कंपनी आए, हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स की ट्रेनिंग भी हो जाएगी, इनक्यूबेशन सेंटर भी वहाँ पे होगा, और हर तरह से जैसे दुनिया की किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में कोई इनक्यूबेशन सेंटर है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अमरीका में मैं यूनिवर्सिटी यूटा में गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में ये काम हो रहा है, उस तरह की इनक्यूबेशन सेंटर इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, इनक्रेज करने के लिए, उसको होन करने के लिए, बच्चों के जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं उनको आबियारी उनकी करने के लिए वो सेंटर बना है। उसके अलावा बाकी जो उनकी बिल्डिंग्स हैं बड़े मॉडर्न लुकिंग, और कई उनके क्लासिक लुक भी है, कई मॉडर्न लुक भी है। तो वो अभी कैंपस में तो वहाँ को तकरीबन 700-800 स्टूडेंट्स हैं। हमारा गोल है कि अगले साल, क्योंकि वो सारे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, एक कंप्यूटर साइंस के, 4 इंजीनियरिंग के हैं, कि उनकी एनरोलमेंट हम डबल कर लें, क्योंकि अब वो इस सूरत में आ गया है, फैकल्टी भी बड़ी अच्छी है, और हम हायर कर रहे हैं कि उसकी एनरोलमेंट डबल करें, और इवेंचुअली ओवर द ईयर्स वहाँ पे आसानी से 25,000 से 50,000 स्टूडेंट इन द लॉन्ग रन वहाँ पे आ सकता है। और आई थिंक उस इलाके के लिए ये एक बड़ी नेमत है कि वहाँ इतनी अच्छी एक कैंपस बनाया गया। और हमने बाय द वे, हमारी सिंडिकेट ने ये फैसला किया और हमने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को भेज दिया है कि उसको एक अलग यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाए। लास्ट हमारा एक सवाल है और हम पूछना चाहेंगे कि आप हमारी यूथ को क्या एडवाइस देंगे। देखिए, यूथ को मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। एक तो ये है कि प्रोफेशनली ख्वाब देखें, और ख्वाब देखें तो बहुत बड़ा देखें, और लेकिन ये है कि ख्वाब देख के अगर बैठे रहेंगे तो वो ख्वाब ही रहेगा, वो डे ड्रीमिंग हो जाएगी जैसे कहते हैं। तो ख्वाब देखें, उसके लिए प्लानिंग करें, अपने गोल्स रखें कि जी ये मैंने गोल्स हैं, टाइमलाइन रखें और उसके डिलीवरेबल्स बनाएं कि मैंने ये काम करने हैं तो ये होना चाहिए, उसको फिर आप देखते रहें कि हो रहा है कि नहीं, और इवेंचुअली इंशाल्लाह ताला ये बड़ा ख्वाब आपका विद प्लानिंग एंड प्रॉपर एक्सिक्यूशन, प्लान्ड एक्सिक्यूशन, कंटिन्यूस हार्ड वर्क, इससे वो ख्वाब आपके पूरे होंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये ख्वाब आपके पूरे ना हों। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय उसके जिसकी उसने कोशिश की।
अच्छा, लेकिन फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, आउटकम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना और प्लान मेहनत करना तो आपके हाथ में है, तो ये ज़रूर करें। और लेकिन बड़ा ख्वाब, अगर आप ख्वाब ये देखेंगे जी कि मैंने लाहौर की सबसे एक अच्छी कंपनी बना देनी है, तो वो आप उसी तरह मेहनत करेंगे। जब आपने ये कहना है कि जी मैंने बे एरिया सैन फ्रांसिस्को में गूगल के मुकाबले की कंपनी बनानी है, तो आप मेहनत भी उसी तरह करेंगे। तो अगर गूगल के मुकाबले की नहीं है, तो कम से कम एक बहुत बड़ी कंपनियां बना सकते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी या एशिया की सबसे अच्छी कंपनी बना सकते हैं। तो ड्रीम बिग एंड फॉलो योर ड्रीम्स विद परपेचुअल एंड प्लान्ड हार्ड वर्क। और इसके लिए लेकिन याद रखें कि इसके लिए खून जिगर करना पड़ता है, रातें जागनी पड़ेंगी। मुझे वसी शाह साहब का एक शेर याद आ गया इसमें कि मेरे इस दीदाए खूनाब के पीछे पीछे, यानी मेरी इस खूनी आँखों के पीछे, लाल आँखें जो हैं मेरे इस दीदाए खूनाब के पीछे पीछे, एक बेख्वाबी है एक ख्वाब के पीछे पीछे। तो ये परपेचुअल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पता चले लोगों को और आपको भी अंदाज़ा होगा कि ये आप जो पागल हुए हुए हैं इस काम पीछे। दूसरा, जो भी आप अपनी ज़िंदगी जैसे भी गुजारें, जहन में रखें कि जो बात आप करें किसी के मुतालिक करें तो उसका फैक्ट्स की बेसिस पे होना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि लॉन्ग हेल्ड व्यूज़ किसी के मुतालिक, ये लोग इस तरह के होते हैं, ये इस तरह के, ये नहीं करना आपने। एक तो ये है कि डाइवर्सिटी को आप चेरिश करें, जो आपसे मुख्तलिफ लोग हैं उनको वैल्यू करें, किसी को खामखा में तंग ना करें। आप उस तरह की, जिस तरह आप समझते हैं कि आपकी बात को लोग इज्जत दें, तो लोगों की बातों को भी उतनी इज्जत देने की कोशिश करें। बहुत खूब। इसके अलावा इस दुनिया में सुकून नहीं आ सकता। ये जो बिल्कुल सेंसलेस जुल्म हो रहे हैं, किलिंग हो रही है, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि हम समझते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ यही हर्फ आखिर है और हर बंदा इसी को माने, दूसरे की वैल्यू नहीं है बिल्कुल। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी बात को वैल्यू दी जाए, आपके व्यूज़ को वैल्यू दी जाए, कदर की निगाह से देखा जाए, इज्जत की निगाह से देखा जाए, आपको इसी तरह करना पड़ेगा दूसरों की बातों को, दूसरों के व्यूज़ पे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर साहब की कि उन्होंने आज हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे साथ बैठे, गपशप की और बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की।